अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम जमात हफ्तों के मजलूम जुग्राफिया के सबक नंबर 7 मिट्टी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। इससे पहले हमने महाराष्ट्र में पाए जाने वाली मिट्टी के अहम अकसाम का मुताला किया। अब मिट्टी का रंग, उसकी साफ, उसकी तश्कील का अमल और उसकी तह की मोटाई वगैरह अवामिल की बुनियाद पर हमारी रियासत में पाए जाने वाले मिट्टी की जमातबंदी के लिए 5 अकसाम में मिट्टी को तकसीम किया है, जो इस तरह है। पहला है मोटी खुश्क मिट्टी। झीज और बारिश की कमी की वजह से इस किस्म की मिट्टी तैयार होती है। सतह मुर्तफा के मगरबी हिस्से में घाट की बुलंदी पर ये मिट्टी पाई जाती है, मसलन अजंता, बालाघाट और महादेव के पहाड़ की मिट्टी में ह्यूमस की मिकदार काफ़ी होती है। दूसरी किस्म है काली मिट्टी। रेगुर या काली कपास की मिट्टी के नाम से मारूफ ये मिट्टी की एक किस्म है। ये मिट्टी औसत बारिश वाले इलाकों में पाई जाती है। नदी की वादियों में, दलदली मैदान और वादियों वाले इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। सतह मुर्तफा दक्कन के मगरबी हिस्सों में नहायत सिया और मशरक़ी हिस्सों में, ख़ास तौर विदर्भ में दरमियानी सिया, ये दो अकसाम की मिट्टी पाई जाती है। ये भले ही काली दिखाई दे लेकिन इसमें हयाती अज़ा की मकदार कम होती है। तीसरी किस्म है जानबी मिट्टी। सिहादरी के मगरिब में कोकन की साहिली पट्टी और मशरकी विदर्भ में इस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में चट्टानों की झीज काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, जिसकी वजह से मोरोसी चट्टानें जड़ों से खुल जाती हैं। चट्टानों में मौजूद लोहा माहौल में मौजूद ऑक्सीजन गैस से आमेज होकर कीमियाई अमल से गुजरता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी का रंग तांबे जैसा होता है। चौथी किस्म है साहिली पट्टी की दलदली मिट्टी। कोकण की बहुत सी नदियाँ तवील नहीं होती लेकिन तेज़ रफ्तारी से बहती है, जिसकी वजह से बहकर आने वाला दलदल या कीचड़ नदी के किनारे पर जमा हो जाता है। मगरबी किनारे पर नदी के दहाने पर ये मिट्टी तैयार होती है, मसलन धर्मधर की खाड़ी, पनवेल का इलाका। पांचवी किस्म है जर्दी माइल मटियाली मिट्टी। बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में पाई जाने वाली ये मिट्टी बहुत ज़्यादा जरखेज़ नहीं होती, इसलिए ज़राअत के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल कम ही होता है। चंद्रपुर, भंडारा का मशरक़ी इलाका और सिहादरी के पहाड़ी हिस्से में ख़ास तौर पर ये मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की किस्में और इनकी तकसीम को देखकर ये बात समझ में आती है कि रियासत की आबो हवा, मोरस टानों और अरसे का असर मिट्टी तैयार होने के लिए ज़रूरी है।